हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीप्ति आकांक्षा ट्यूटोरियल आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेटेस्ट बाजू का डिजाइन बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक हम बाजू कट कर लिए हैं, जिसका जो लेंथ है तो 11 इंच रखे हैं, और इसका जो आगे का जो मोरी है, जो हमारा बॉटम होता है, 5 इंच है, पीछे हमारा 7 इंच है। तो चलिए अब इसको हम बताते हैं ओपन करके। और जो हमारा आज का डिजाइन है तो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो सबसे पहले हम जो हमारा सीधा है इसको ऊपर में रखेंगे, और इस तरह से इसको हम दो फोल्ड करेंगे। और दो फोल्ड करने के बाद देखिए, एक हम बिल्कुल बीच से 1.5 इंच पर एक इस तरह से हमको बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे लाइन ड्रॉप करना है, जो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होगा। एक सीधी लाइन खींच देनी है। चलिए अब इस पे हम यहाँ पे अब सिलाई चला देते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई लगा लिए हैं, और अब इसको हम इस तरह से बिल्कुल दोनों तरफ से बिल्कुल इस तरह से एक बराबर में बीच में यहाँ पे इस तरह से हमको प्रेस के सहायता से इसको चिपका देना है। यहाँ पे देखिए, हम प्रेस के सहायता से इसको बिल्कुल बीच में यहाँ पे हम चिपका देंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे हम प्रेस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से आयरन की सहायता से यहाँ पे हम चिपका दिए हैं। और अब देखिए, हमको इस तरह से छोटे छोटे पट्टी कट कर लेनी है, जरूरत के अनुसार यहाँ पे हमको डिजाइन डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे पट्टी यहाँ पे इस तरह से हम कट कर लिए हैं, जिसका जो लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच हम रखे हैं, दोनों सेम ही है, बराबर है, बिल्कुल हमको चौका में कटिंग करना है। और अब इसको हमको दो फोल्ड करना है, उसके बाद एक फोल्ड और करना है, इस तरह से ट्रायंगल बना लेना है, और भी इस पे हमको सिलाई लगा देना है। तो अब चलिए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से हम कट कर लिए हैं, और अब चलिए यहाँ पे अब हमको अटैच करना है। तो जो हमारा देखिए आगे है, आगे यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ेंगे, और 1/2 इंच छोड़ते हुए हमको इस तरह से देखिए अंदर में हमको यहाँ पे अब सिलाई लगाना है, और इस तरह से ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे, और आगे मोहरी के पास हमको 1/2 इंच छोड़कर ही इसको अटैच करना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं। 1.5-2 इंच के दूरी पे इस तरह से हम अटैच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम अटैच कर दिए। हमारा सेम ही कलर का कपड़ा था, और अब इसी के बिल्कुल एक ही साइड में, इसी के बराबर में अब इधर भी हम करेंगे, बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। तो चलिए अब इधर भी हम कर लेते हैं। देखिए, एक हमको पट्टी काट लेनी है, और अब यहाँ पे हमको आगे मोहरी में यहाँ पे सिलाई कर देनी है। तो चलिए अभी इसको हम सिलाई कर देते हैं। अब इसको ऊपर से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। इस देखिए, दो फोल्ड करके ऊपर से अब हमको सिलाई लगा देना है। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से आगे में मोहरी का, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम गोल्डन यहाँ पे मोती लिए हैं, और चाहे तो आप इससे बड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास मीडियम साइज में था। तो चलिए आज इसे हम डिजाइन बनाते हैं। देखिए, एक सुई लेनी है, और एक हमको यहाँ पे एक हम इस तरह से सुई ले लिए, इसमें सेम ही कलर का धागा इसमें हम डाल रखे हैं। और अब चलिए यहाँ पे हम डिजाइन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमको
इस तरह से करते हुए पहले इसमें हमको यहाँ से देखिए मोती को उठाना है, और देखिए इस तरह से हम यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। और अब देखिए फिर हमको सेम वापस आना है, इसको अंदर से बाहर निकालना है। इस तरह से करने से हमारा जो मोती है यहाँ पे मजबूत हो जाएगा, और इस तरह से दोबारा करना है। देखिए दोस्तों इस तरह से हम अटैच किए हैं, और जितना भी हमारे इस तरह से जो हमारा डिजाइन है टोटल में हमको इसी तरह से कर देना है। तो चलिए पहले हम फटाफट यहाँ पे मोती अटैच कर लेते हैं। देखिए दोस्तों टोटल में इस तरह से हम यहाँ पे जो हमारा मोती है तो इस तरह से हम अटैच कर लिए हैं। तो देखिए हमारा कितना सुंदर लग रहा है जो हमारा डिजाइन है बनने के बाद। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे डिजाइन है फ्लावर्स का, यहाँ फ्लावर्स की तरह यहाँ पे हो गया है। और जो लोग नए बिगनर्स हैं तो उनके लिए तो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास है हमारा डिजाइन है। तो आप लोग जरूर इसे बनाइए और ट्राई करें, और हमें कमेंट में बताएं कि हमारा जो बनाने का जो आइडिया है आप लोगों को कैसा लगा। और इसी तरह से हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ में।